सबको नमस्कार। पूरी दुनिया में इस टाइम कोरोना वायरस फैला हुआ है। दुनिया के दूसरे देशों से सीख के हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम कोरोना से कैसे डील करेंगे। मोटे मोटे तौर पे सब देशों के एक्सपीरियंस देखने के बाद एक चीज़ तो साफ है कि आपको कोरोना से 3 कदम आगे रहना है। अगर आप सोते रहे और कोरोना फैल गया तो उसके बाद आप कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोरोना से जो देश कोरोना से 2 कदम आगे रहे, 3 कदम आगे रहे, उन्होंने कोरोना को सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया। इसके लिए हम सब लोगों ने मिलके, मैंने कई एक्सपर्ट्स के साथ पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, कई डॉक्टर्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कई लोगों से बातचीत करने के बाद हमने 5 स्टेप 5 बिंदुओं का हमने प्लान बनाया है कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना को कैसे नियंत्रित करेंगे। इसमें ये एक तरह से 5T है, 5T प्लान है। पहला T है टेस्टिंग। हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की, वो जब कोरोना फैल गया तो उसको कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ किस किस घर में कोरोना फैला हुआ है। और अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे और कोरोना फैलता गया, नीचे एक आदमी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, और इस तरह से ये चारों तरफ फैल जाएगा। हम साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देखते हैं कि साउथ कोरिया ने किस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर टेस्टिंग कर करके उन्होंने एक एक आदमी को आइडेंटिफाई किया कि इसको कोरोना है, इसको इसका इलाज कराओ, इसको कोरोना है, इसको क्वारंटाइन कर दो। उन्होंने एक एक को आइडेंटिफाई किया ताकि वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना कर सकें। अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन संक्रमित हो गया, कौन इन्फेक्ट हो गया और कौन इन्फेक्ट नहीं हुआ। इसको अब हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर साउथ कोरिया की तरह करने जा रहे हैं। अभी तक टेस्टिंग किट्स की बड़ी समस्या थी, अब थोड़ी सी समस्या सुधरी है। हमने ऑलरेडी 50,000 लोगों के टेस्ट के लिए ऑर्डर किया हुआ है और वो ऑर्डर आने चालू हो गए हैं। 1,00,000 लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और शुक्रवार से हमें वो 1,00,000 रैपिड टेस्ट कराने के लिए हमारे पास डिलीवरी चालू हो जाएगी। रैपिड टेस्ट आने के बाद जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, जहां हमें लगता है कि कोरोना के पेशेंट थोड़े से ज़्यादा निकले, जैसे मरकज़ में निकले, मरकज़ के आसपास का जो निज़ामुद्दीन का एरिया है, उस तरह से दिल्ली में दिलशाद गार्डन में थोड़े से ज़्यादा निकले थे, तो उस तरह से जितने हमारे ऐसे एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ के अंदर हम ज़्यादा रैपिड टेस्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करके वहाँ पर रैंडम टेस्ट कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि कोरोना कहीं वहाँ ज़्यादा फैल तो नहीं रहा और हमें पता ही ना चले। तो रैपिड टेस्ट को इस्तेमाल किया जाएगा और जो डिटेल्ड टेस्ट होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा हमारा टी है, दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये व्यक्ति किस किस से मिला, 14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी टीम बहुत एफिशिएंट टीम है, हमारे अफसरों की, डॉक्टर्स की, वो आइडेंटिफाई करती है और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। ये ट्रेसिंग अभी तक दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे स्तर के ऊपर चल रही है। अब हमने पुलिस की मदद भी लेनी चालू की है। एक आदमी पॉजिटिव निकला, उसने हमें बताया जी पिछले 14 दिन के अंदर मैं इन 100 लोगों से मिला था। हमने उन 100 लोगों को कहा कि भाई आप अब सेल्फ क्वारंटाइन में घर में 14 दिन रहोगे। अब वो 14 दिन घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, इसके लिए हम पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस को हमने अभी तक 27,702 लोगों के फोन नंबर दिए हैं, ये पता करने के लिए कि वो जो सेल्फ क्वारंटाइन वाले हैं वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। उनके फोन से पता चल जाता है कि फोन का मूवमेंट तो नहीं हो रहा, वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, उसके ऊपर फिर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी पता कर रहे हैं कि मरकज के जो लोग निकले थे, लगभग 2,000 फोन नंबर आज हम पुलिस को देने वाले हैं कि मरकज के अंदर जितने लोग थे वो कहीं आसपास बाहर के एरिया में तो नहीं घूमे थे। अगर वो बाहर के एरिया में घूमे थे
और वो कहाँ कहाँ गए थे वो पता चलेगा, तो उन एरियाज को सील कर दिया जाएगा। तो ट्रेसिंग के बेसिस पे हम सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, सीलिंग करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे कि लोग सेल्फ क्वारंटाइन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट। जो बीमार हो जाता है फिर उसका इलाज कराना है हमें। अभी तक दिल्ली में लगभग 525 टोटल कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। हमने इस टाइम ऑलरेडी लगभग 3000 बेड्स की क्षमता तैयार कर ली है। LNJP हॉस्पिटल हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया, अब वहां पे कोई इलाज नहीं हो रहा है। 1500 बेड वहां पे हैं, वहां पे केवल और केवल कोरोना वालों का इलाज होगा। GB पंत हॉस्पिटल में 500 बेड हैं, उसको हमने कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया, वहां पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 450 बेड्स हैं, उसको हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया, वहां पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से 2450 बेड्स सरकारी क्षेत्र में हैं और 400 बेड्स हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड डिक्लेयर कर दिए हैं। इसमें मैक्स साकेत का ई ब्लॉक पूरी तरह से कोविड डिक्लेयर कर दिया गया है, जहां पे 318 बेड्स हैं। अपोलो के 50 बेड्स कोविड डिक्लेयर कर दिए गए, वहां पे और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। गंगाराम कॉलमेट के 42 बेड्स, वो अलग बिल्कुल बिल्डिंग है उनकी, उसको हमने कोरोना के लिए डिक्लेयर कर दिया, वहां और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये सारे मिला के 2950 बेड्स बनते हैं। आज दिल्ली में 525 पेशेंट्स हैं, 2950 बेड्स हमारे कोरोना के लिए अलग से ईयरमार्क कर दिए गए हैं। तो लगभग अगर 3000 तक पेशेंट्स होते हैं तो हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स हैं। 3000 क्रॉस कर जाता है तो हम GTB हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोरोना डिक्लेयर कर देंगे। GTB में हमारे पास 1500 बेड्स हैं तो 4500 बेड्स हो जाएंगे। इस तरह से हमने प्लानिंग की है कि 3000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 4000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 5000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 6000 पेशेंट होंगे तो किसको टेक ओवर करेंगे। इस तरह से 30000 एक्टिव पेशेंट्स, अगर दिल्ली में 30000 पेशेंट्स हो जाते हैं, एक्टिव पेशेंट्स ट्रीट किए हुए नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, इलाज हो गया, ठीक हो गए और घर चले गए, वो नहीं। 30000 एक्टिव पेशेंट्स जब दिल्ली में अगर होंगे, उसकी हमने पूरी तैयारी की है। 30000 एक्टिव पेशेंट्स में हमारे पास 8000 हॉस्पिटल के बेड्स होंगे। वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में होंगे उसकी सारी चिन्हित कर लिया गया है कि इतने के बाद फिर इस हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लेंगे, इतने के बाद इस हॉस्पिटल को टेक ओवर। 12000 होटल के कमरे टेक ओवर किए जाएंगे। किस किस होटल को कब टेक ओवर किया जाएगा इसकी भी चिन्हित कर लिया गया है कि 8000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा, 7000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा और 10000 पेशेंट्स को बैंक्वेट्स और धर्मशालाओं में रुकवाया जाएगा। तो 30000 जब हमारे पास पेशेंट्स होंगे तो जो सबसे सीरियस पेशेंट्स होंगे, जिन पेशेंट्स को हार्ट की बीमारी या लिवर की बीमारी या कैंसर या सांस की बीमारी या डायबिटीज होगी वो, और जो 50 के ऊपर की उम्र के होंगे, इन लोगों को अस्पताल में रखा जाएगा। और जिन लोगों को माइनर सिम्टम्स होंगे, जो 50 के कम की उम्र होंगे, कोई और बीमारी नहीं होगी इस तरह के, उनको हम होटल में और धर्मशाला में आइसोलेशन में रखेंगे। लेकिन वहां भी सारी मेडिकल सुविधाएं मौजूद होंगी, वहां भी डॉक्टर्स नर्सेस सारी मेडिकल सुविधाएं मौजूद होंगी। लेकिन जो सीरियस किस्म के पेशेंट्स होंगे उनके लिए 8000 बेड्स का इंतजाम किया जाएगा। कितने पेशेंट्स होने पे हमें कितने वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसका भी पूरा खाका तैयार है। 30000 पेशेंट्स होने पे हमें 400 वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, 1200 ऑक्सीजन के बेड्स की जरूरत पड़ेगी। इनकी सबकी तैयारी की जा रही है, काफी तैयारी हो चुकी है। हमें कितने PPE किट्स की जरूरत पड़ेगी कितने पेशेंट्स पे, इसकी पूरी कैलकुलेशन की जा चुकी है। इस वक्त बाकी चीजों की उतनी दिक्कत नहीं है, PPE किट्स की थोड़ी सी समस्या आ रही थी। थोड़ी सी मदद कल केंद्र सरकार से पहुंची है हमें, PPE किट्स के हमने काफी सारे ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन अगले हफ्ते तक वो ऑर्डर आने चालू होंगे।
इस दौरान थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन थी, कल केंद्र सरकार से परसों चिट्ठी आई है कि 27,000 पीपी किट्स वो हमें दे रहे हैं, वो आज या कल में आ जाएगी, तो फिलहाल पीपी किट्स की समस्या भी हमारी दूर हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट है, तीसरा टी ट्रीटमेंट है। चौथा टी हमारा है टीम वर्क। ये कोरोना को अकेले कोई नहीं ठीक कर सकता। कोई अगर ये सोचे कि मैं अकेला कोरोना को ठीक कर दूं, वो नहीं हो सकता। ये टीम वर्क पे जब तक हम काम नहीं करेंगे टीम की तरह, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं, राजनीति से ऊपर उठ के सारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सारी एजेंसीज सब एक टीम की तरह काम कर रही हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। इसमें सारी राज्य सरकारों को भी मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हम दिल्ली के लोग यहाँ बैठ के सोचें कि अपने को दिल्ली दिल्ली का सोचना है, महाराष्ट्र में कोई बीमार पड़ रहा है तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में अगर कोई बीमार है और जिस दिन लॉकडाउन खुला और वो दिल्ली आ गया, तो फिर अपने दिल्ली में फैल जाएगा। दिल्ली में कोई बीमार है और कल लॉकडाउन खुलेगा वो पश्चिम बंगाल चला गया, तो वहां पे फैल जाएगा। तो अपनी सारे सरकारों को और सारे देश के लोगों को एक परिवार की तरह, एकजुट होकर एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। और सारी राज्य सरकारों को हमें आपस में एक दूसरे से सीखना भी है। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं देखता हूँ कि तमिलनाडु में ये हो गया, महाराष्ट्र के अंदर ये हो गया, केरला में ये हो गया, पश्चिम बंगाल में ये हो गया, राजस्थान में ये हो गया, मध्य प्रदेश में उन्होंने ये अच्छा काम किया। हमें एक दूसरे से सीख के एक टीम की तरह काम करना है। डॉक्टर्स और नर्सेस हमारी इस टीम का, हमारे इस परिवार का अहम हिस्सा है। किसी भी हालत में हमें उन्हें बचाना है। वो हमारे सबसे बड़े सिपाही हैं, वो हमारी इस टीम का सबसे, उनके परिवार का हमें ख्याल रखना है। कहीं कहीं मैं देखता हूं कि डॉक्टर्स के साथ उनके पड़ोसियों को, उनके कॉलोनी वालों को उन्होंने कहा कि आपको तो कोरोना हो गया होगा, आप कॉलोनी में मत घुसो। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस कड़ी का हिस्सा हमारे डॉक्टर्स हैं और हमारे देश के लोग। हम सब लोगों को इस वक्त लॉकडाउन के वक्त एक अनुशासित तौर पर अपने घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। देश के लोग इस टीम का सबसे बड़ा हिस्सा हैं और मुझे बेहद खुशी है, मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त ज़रूरत के वक्त जिन लोगों के पास पैसा है वो सामने आ रहे हैं। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो कोशिश करके इधर उधर से पीपी किट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो और कई सारी धार्मिक संस्थाएँ, सामाजिक संस्थाएँ, वो खाने का इंतजाम कर रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब, ऑपोजिशन हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने सभी बीजेपी के लीडर्स के, दिल्ली के लीडर्स हैं उनके साथ, जो एमएलए हैं उनके साथ बात की थी। कल मैं सभी दिल्ली के सांसदों के साथ बात करने जा रहा हूँ, उनके विचार, उनकी जो भी बातें उनको हम सुनेंगे, उनके हिसाब से साथ काम करेंगे। और पाँचवा टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मैंने इतनी सारी बातें तो बोल दी, लेकिन इन सब बातों को मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना कि चीज़ें सही चल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे मोमेंट टू मोमेंट ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो 24 घंटे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर नज़र रखूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम कोरोना से 3 कदम आगे रहेंगे तो हम कोरोना की इस लड़ाई को मिलके जीत पाएंगे, टीम की तरह जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।